इसराइल लेबनान तनाव के बीच एक और मोर्चे से चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है। सीरिया बॉर्डर पर तुर्की और रूस ने ज्वाइंट पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का यह एक्शन उसके बाद हुआ है जब उन्होंने कहा था कि वो जरूरत पड़ी तो इसराइल को उसके घर में घुसकर मारेंगे। तुर्की नेटो को सदस्य देश है और पूरा नेटो अमेरिका समेत इसराइल के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। सवाल है, क्या एर्दोआन के दिमाग में नेटो में फूट का प्लान चल रहा है? दुनिया में अपनी सैनिक ताकत से दुश्मनों में खौफ पैदा कर देने वाला संगठन, दुनिया के 32 अमीर देशों का सैनिक संगठन, दुनिया भर में हथियारों की सप्लाई करने वाला संगठन, अमेरिका जिस संगठन पर करता है गर्व, उस संगठन में अब पड़ सकती है फूट। टूटेगा नेटो, तोड़ेंगे एर्दोआन। गृह युद्ध की आग में झुलसते देश सीरिया की उत्तरी सीमा पर तुर्की और रूस ने ज्वाइंट पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। रूस और तुर्की की सेना के टैंक मूव कर रहे हैं, सीमा पर दोनों के फौज गश्त लगा रही है। तुर्की खुलकर सीरिया के उस बशर अल असद सरकार के साथ खड़ा हो गया है जिसका विरोध अमेरिका का टॉप एजेंडा है। सवाल है, तुर्की जो कि नेटो का सदस्य देश है, सीरिया के बशर अल असद के समर्थन में और इसके लिए रूस का साथ क्यों दे रहा है? क्या तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के दिमाग में नेटो में फूट का कोई बड़ा प्लान चल रहा है? तुर्की के एर्दोआन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच की अंडरस्टैंडिंग समझे बिना ये समझ पाना मुश्किल है कि नेटो का मेंबर होने के बावजूद तुर्की अक्सर अमेरिका के खिलाफ क्यों खड़ा दिखता है। क्यों दुनिया भर के एक्सपर्ट मानते हैं कि तुर्की भले ही नेटो का सदस्य है लेकिन उसकी सहानुभूति अमेरिका विरोधी देश ईरान, रूस, लेबनान, यमन, फिलिस्तीन, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ दिखती है। इसके पीछे की वजह को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि तुर्की वो देश है जो ईरान इसराइल के तनाव के बीच ही नहीं यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच भी बहुत बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में है। तुर्की वो देश है जिसके राष्ट्रपति एर्दोआन ने खुलकर दो टुक शब्दों में कहा कि वो हमास के समर्थन में इसराइल के भीतर घुसकर हमला कर सकते हैं। जाहिर है ये जवाब किसी और को नहीं बल्कि नेटो के लीडर अमेरिका को है। तुर्की वो देश है जो यूक्रेन रूस युद्ध में रूस के साथ खड़ा दिखता है। तुर्की ही वो देश है जहां रूस से यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन अंकारा पहुंचे थे शांति समझौते के लिए। लिहाजा तुर्की के हर कदम पर पूरी दुनिया की नजर होती है। इसलिए तुर्की अगर नए ढंग से रूस के साथ मिलकर सीरिया बॉर्डर पर गश्त लगा रहा है तो खबर बड़ी बन जाती है क्योंकि तुर्की उसका समर्थन कर रहा है जिसका विरोध नेटो करता है। लिहाजा सवाल उठता है कि क्या टूटेगा नेटो, तोड़ेंगे एर्दोआन। एर्दोआन और पुतिन के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग है। इस वक्त रूस को तुर्की जैसे देशों की जरूरत भी बहुत है। तुर्की नेटो के भीतर बैठकर रूस का समर्थन करने वाला अकेला देश है और जो हालात इस समय रूस के कुर्स्क में पैदा हुए हैं उससे एर्दोआन पुतिन के लिए सिर्फ अहम नहीं बल्कि बहुत अहम हो गए हैं। एर्दोआन क्यों नेटो में डाल सकते हैं फूट, इसकी डिटेल दिखाने से पहले रूस के कुर्स्क में क्या चल रहा है देख लेते हैं। यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क में बने तीसरे पुल को भी गिरा दिया है। यूक्रेन के वायुसेना कमांडर माइकोला ओलेश्चुक ने इसकी पुष्टि की है। ये सभी पुल कुर्स्क के ग्लुस्कोवस्की जिले में सीम नदी पर बने थे। अल जजीरा के मुताबिक इन सभी पुलों के टूटने से रूस की सप्लाई लाइन पर असर पड़ेगा। सीम नदी पर पहला पुल जिसे शुक्रवार को यूक्रेन की सेना ने उड़ाया, कुर्स्क का दूसरा पुल जिसे यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से उड़ाया था, सीम नदी पर रूस का तीसरा पुल जिसे यूक्रेन ने उड़ाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि वे कुर्स्क के इलाके पर हमला कर रहे हैं ताकि इसे वफर जोन बनाया जा सके। वफर जोन में दो देशों के बीच में खाली जगह होती है, इस जगह पर किसी का कब्जा नहीं होता। जेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूसी शहर सुज्जा पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सेना रूस में 35 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। जेलेंस्की ने वीडियो संदेश में कहा कि सुज्जा में अब यूक्रेनी मिलिट्री कमांडेंट का सेंटर खुल चुका है। 6 अगस्त को यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला किया था। यूक्रेनी सेना ने 15 दिनों में रूस के 92 गांवों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के अचानक हमले के बाद 2 लाख से ज्यादा रूसी नागरिकों को अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ा है।
ढाई सालों के युद्ध में इस तरह के पलटवार की आशंका पुतिन को शायद ही होगी। पुतिन अपने सैनिक कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करने निकले थे और अब अपनी ही जमीन के लिए लड़ रहे हैं, वो भी अपने से बहुत कमजोर देश यूक्रेन से। क्यों? इसीलिए क्योंकि यूक्रेन जमीन पर बस लड़ता दिख रहा है, उसके पीछे की ताकत वो नेटो है जो हथियार सप्लाई कर रहा है, जो जेलेंस्की को हर संभव मदद कर रहा है। और वो किस लिए? क्योंकि रूस की सीमा से सटे देश यूक्रेन में संगठन का विस्तार हो सके। यूक्रेनी वेबसाइट की इंडिपेंडेंट के मुताबिक यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ ने दावा किया है कि 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमले के बाद से 6,03,000 रूसी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। जनरल स्टाफ ने टेलीग्राम पर कहा कि यूक्रेन ने पिछले ढाई साल में रूस के 8,552 टैंक्स, 16,542 बख्तरबंद गाड़ियां, 17,216 आर्टिलरी सिस्टम, 1,166 रॉकेट सिस्टम, 928 एयर डिफेंस सिस्टम, 367 हवाई जहाज, 328 हेलीकॉप्टर, 13,902 ड्रोन, 28 जहाज और एक सबमरीन बर्बाद हो चुके हैं। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन कुर्स्क की तबाही की तस्वीरें तो कम से कम सच दिखा रही है कि पुतिन किस कदर ज़ेलेंस्की की फौज के हमलों से बेचैन हैं। ऐसे में ही तुर्की जैसे देश का साथ मिलना पुतिन के लिए जलते जख्म पर मरहम का काम करेगा। लेकिन सवाल है कि एर्दोगान को इसकी जरूरत क्यों दिखती है कि वो नेटो जैसे शक्तिशाली संगठन में होने के बावजूद अमेरिका के दुश्मन देश रूस के साथ गलबाहियां करे। ये समझने के लिए आपको तुर्की की नेटो तोड़ो वाली रणनीति की डिटेल समझनी होगी। इस्लामिक नीतियों पर चलने वाले एर्दोगान 2003 में सत्ता में आने के बाद से ही इसराइल के खिलाफ मुखर रहे हैं, फिलिस्तीनियों के प्रति इसराइल के रवैये की सख्त आलोचना करते रहे हैं। एर्दोगान गजा में इसराइल की कार्रवाई को अपराध बताते कह चुके हैं कि यह नरसंहार है। एर्दोगान हमास, जिसे इसराइल, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन आतंकी संगठन कहते हैं, उसको लेकर मानते हैं कि एक ऐसा समूह है जो अपनी जमीन और लोगों के लिए लड़ रहा है। तो मध्य पूर्व में अपनी इस्लामिक नीतियों के कारण एर्दोगान हमास के साथ खड़े हैं, जिसका अमेरिका विरोध करता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब्दुल रहमान अल मकी सीरिया में आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी करने का जिम्मेदार था। मकी हुरास अल दीन के शूरा परिषद का सदस्य था। हुरास अल दीन, जिसे धर्म के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, अलकायदा से जुड़ा एक समूह है। मक्की आतंकी संगठन अलकायदा में एक बड़ा कद रखता था, इसके कारण अमेरिका उसे अपने देश के लिए सीधा खतरा मानता रहा है। हुरास अल दीन की एक महत्वाकांक्षा अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ हमले करने की है। तुर्की के हित नेटो संगठन के मकसद से टकराते हैं और पुतिन का टकराव नेटो से तो सर्वविदित है। लिहाजा एर्दोगान और पुतिन मिलते हैं तो दुनिया को आश्चर्य नहीं होगा और इस क्रम में नेटो में टूट होनी तय है।